हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरे चैनल अंकिता इलाहाबाद रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इस नवरात्रि मेरे हस्बैंड कुछ स्पेशल कर रहे हैं। जी हाँ, प्लांटिंग आज हम लोग कर रहे हैं। आज है संडे और प्लांटिंग का मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही बहुत शौक है। तो गमले और पेड़ वगैरह जो भी चीज़ें थी वो हम लोग कल रात को ही ले आए थे और बस सुबह उठ गए हैं और वॉकिंग और योगा करने के बाद बस हम लोग बैठ गए हैं पेड़ लगाने के लिए। और यहाँ पे ये गमलों में, सारे गमलों में छेद कर रहे हैं ताकि एयर पासिंग के लिए उसमें जगह बन जाए। और उसमें ऑलरेडी बना ही होता है, बस उसे हल्का सा प्रेस करना होता है, उससे हमारा हो जाता है। उसके बाद अब ये देख सकते हैं इसमें मिट्टी डाल के सारे पेड़ को लगा रहे हैं ये। और बहुत ही अच्छा लगता है जब पेड़ वगैरह अपने आंगन में या अपने गार्डन में हमारे होते हैं तो इससे हमारा मन भी खुश रहता है। और सुबह उठ के अगर हम इन्हें देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी अपने मन में बनती है और सारा दिन भी बहुत ही अच्छा जाता है। तो इन्हें देख के सच में ऐसा लगता है कि जीना आता है हर सिचुएशन में, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा ये खड़े रहते हैं हमें फल देने के लिए, छांव देने के लिए। तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। और इस नवरात्रि में ये ऐसा हो जो हम लोग प्लांटिंग कर रहे हैं, मतलब ये मेरे लिए एज अ गिफ्ट ही है। इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है कि जो मेरे हस्बैंड ये मेरे लिए कर रहे हैं। और बस इस साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर तक इसमें से पेड़ में से थोड़े फूल वगैरह निकल आएंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग माता रानी को अपने घर के आंगन के फूल चढ़ाएंगे। और बस ऐसी ही है लाइफ, धीरे धीरे कट जाती है, छोटी छोटी खुशियों में ही ज़िंदगी है। और तो ये हमारा पेड़ दोनों लग गया है और उसके बाद देख सकते हैं, पहले तो कह रहे थे कि नहीं मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, लेकिन फिर फ्री हो गए हैं खुद ही, देख सकते हैं आप। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे पेड़ हम लोग लगा लेंगे। और ये गुड़हल का हम लोग देवी माँ का इसको फूल कहते हैं, ये हम लोग तोड़ के लाए थे तो इसकी जड़ सही थी, हमने इसको डंठल के साथ ही हम लोग ने तोड़ लिया था। कहते हैं डंठल सही थी लग जाता है, इन्होंने बोला ऐसे ही लग जाएगा तो हम लोग ने ऐसे ही तोड़ लिया था। और ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम लोग आपको बताएंगे कि हमारा पेड़ लग गया कि नहीं लगा। फ़िलहाल हम लोग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो इस तरीके से सारे पेड़ हमारे लग गए हैं। और उसके बाद पेड़ लगने के बाद पेड़ों की सिंचाई करेंगे थोड़ी सी। और यस, एक और चीज़ आज मैं एक्सपीरियंस लूँगी, एक नई चीज़ मैं बोऊँगी आज। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी और ये है मेरा नया एक्सपीरियंस, नया शौक, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक टब रखा हुआ था, टूट गया था तो उसे मैंने प्लास्टिक से चिपका लिया है और थोड़ा छोड़ दिया है ताकि एयर पास भी हमारा होता रहे। और उसमें मिट्टियाँ भर के यस मैं इसमें उगाऊंगी धनिया। तो ये पहली बार मैं उगा रही हूँ, देखते हैं सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो धनिया को हम क्रश कर लेते हैं हाथ से, जैसे दो भाग में डिवाइड करके उसे या तो हम ऐसे ही उसमें फैला देंगे और या तो हम उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे करके भी उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है पानी से सींच ले देंगे इसे
और इसी तरह सारे पेड़ों को भी। और ये देखिए, इन पेड़ों को भी ऐसे ही सींच देंगे और फिर उसके बाद धूप में रख देंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको पहले से ही। आपका दिन शुभ हो।